हाय हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं जितेंद्र आज आपको एक और वीडियो लेके आया हूँ JMT स्किल यूट्यूब चैनल के थ्रू। आप इस वीडियो को देखकर PPR पाइप और उसके फिटिंग के बारे में पूरी जानकारियाँ पा सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और पूरा नॉलेज और पूरी जानकारियाँ लें। और फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं इस यूट्यूब चैनल पर, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो फ्रेंड्स अगर इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं वो भी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों से साझा करें, उनको भी जानकारी उठाने का मौका दें। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे बात करेंगे PPR पाइप के बारे में। PPR पाइप कहाँ यूज होता है, क्यों यूज़ किया जाता है, कैसे कैसे इसकी फिटिंग की जाती है, उसकी सारी जानकारी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के थ्रू मिलेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, PPR पाइप का यूज़ ज़्यादातर हाई प्रेशर लाइन में किया जाता है और ये PPR पाइप हॉट वाटर के लिए भी यूज़ किया जाता है। और ये PPR पाइप फ्रेंड ज्वाइंट करने के लिए किसी भी ग्लू का इस्तेमाल यूज़ नहीं किया जाता है। PPR का पाइप ज्वाइंट करने के लिए इसका वेल्डिंग मशीन होता है। पाइप को गर्म करके PPR पाइप का ज्वाइंट किया जाता है। मैं वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कैसे ज्वाइंट किया जाता है। फ्रेंड्स, आप देखिए इस इमेज के माध्यम से, इस फोटो के माध्यम से देखिए, इस फोटो में वेल्डिंग मशीन दिख रहा है और ज्वाइंट कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सॉकेट है, इसको कपलिंग भी कहा जाता है। और इसका यूज़, इसका प्रयोग पाइप को ज्वाइंट करने के लिए किया जाता है। जो भी पाइप हो, छोटा हो या बड़ा लेंथ हो, उस पाइप को ज्वाइंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, यह 45 डिग्री एल्बो है। फ्रेंड्स, यह जो 90 डिग्री एल्बो होता है उससे जिसका हाफ सेट होता है, हाफ सेट भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आपका 90 डिग्री एल्बो है। इसका यूज़ उपयोग जब पाइप को 90 डिग्री में टर्न करना रहता है तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये फीमेल ब्रास एल्बो है। यह जहाँ पे टैप यूज़ किया जाता है, जैसे बाथरूम हो गया, किचन हो गया, टॉयलेट हो गया, उसके अंदर जो टैप लगाया जाता है, ये दीवार के अंदर कंसील करके लगाया जाता है और उसमें टैप को टाइट किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यह मेल ब्रास एल्बो है। इसका यूज़ फ्रेंड जब भी दो पाइप को ज्वाइंट किया जाता है, जैसे PPR और PVC पाइप ज्वाइंट हम करते हैं, उसमें इसका यूज अक्सर किया जाता है ताकि मेल थ्रेड में फीमेल सॉकेट टाइट किया जा सके। तो नेक्स्ट फ्रेंड देखिए, यह ब्रास थ्रेड फीमेल टी है। और इसका यूज फ्रेंड जब भी दोनों तरफ पाइप एक तरफ से लेके आएंगे और तरफ लेके जाएंगे और बीच में हमें एक किसी पॉइंट देना रहता है, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट फ्रेंड देखिए, ये PPR ब्रास मेल टी है। तो फ्रेंड इसका भी यूज़ जहाँ पे ज़रूरत रहता है पाइपलाइन में, वहाँ पे किया जाता है। तो फ्रेंड नेक्स्ट देखिए, ये PPR MTA है, इसका फुल नेम है मेल थ्रेड अडाप्टर। तो फ्रेंड इसका यूज़ सपोज जहाँ पे यूनियन का उपयोग किया जाता है वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं और ज्वाइंट करके यूनियन लगाया जाता है। तो नेक्स्ट फ्रेंड देखिए, यह PPR FTA है, फीमेल थ्रेड अडाप्टर है। तो फ्रेंड इसका यूज
कैंसिल वाल में किया जाता है ताकि टैप को लगाया जा सके। ये टैप के लिए ही अक्सर प्रयोग होता है। इसको टैप हाफ इंच का ये थ्रेड होता है और इसमें टैप टाइट कर दिया जाता है और एक तरफ से पीपीआर पाइप में ज्वाइंट कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट फ्रेंड देखिए, यह रेड्यूसर है। रेड्यूसर का इस्तेमाल यूज़ फ्रेंड्स पाइप को रेड्यूस करने के लिए किया जाता है। जैसे कि एक इंच का पाइप है, हमको पौना इंच या आधा इंच करना है, तो फ्रेंड वहाँ पे इस रेड्यूसर का यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट फ्रेंड देखिए, ये पीपीआर क्रॉस कनेक्टर है। इसको अगर पाइपलाइन लेके जा रहे हैं तो फ्रेंड ये चारों तरफ से इसका पाइपलाइन दौड़ा सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, नेक्स्ट यूनियन है। फ्रेंड्स इस यूनियन का इस्तेमाल यूज़ उसी जगह किया जाता है। फ्रेंड्स अगर कोई फिटिंग हम लगाए हुए हैं और वहाँ पे कंजेस्टेड जगह है और वहाँ पे ओपन कर मेंटेनेंस के लिए ओपन करने के लिए जगह नहीं है, तो फ्रेंड्स हम यूनियन को इजी खोल करके और उस फिटिंग को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यह मेल ट्रेड यूनियन है ब्रास का। इसका भी इस्तेमाल मेंटेनेंस के पर्पज़ से ही किया जाता है, फिटिंग को इजी ओपन करके और उसका रिपेयरिंग किया जा सके। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये कनेक्टर है। ये टैंक में कनेक्ट किया जाता है, वाटर टैंक में, जो पानी सप्लाई आउट करने के लिए, इन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड देखिए, ये यू बेंड है। इसका उपयोग जहाँ पाइप को यू टर्न करना रहता है लंबी दूरी लेकर के, तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है उस जगह पर। तो फ्रेंड्स देखिए, ये लॉन्ग क्रॉस ब्रिज है। इसका उपयोग फ्रेंड्स पाइप को क्रॉस करने के लिए किया जाता है। इस यह दो तीन प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। आप देखिए, इसमें से शॉर्ट भी है, वो भी दो प्रकार का है, और ये भी एक पाइप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक पाइप को क्रॉस करना रहता है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड देखिए, यह पीपीआर स्टेनर है। इसको पाइपलाइन में यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स ये जब भी टैंक से पानी आता है तो इस पाइपलाइन में लगाया जाता है ताकि बड़ा कचरा वगैरह इसमें ना पाइपलाइन में आए और यह फिल्टर कर सके, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड देखिए, यह पीपीआर बॉल वाल्व है। इसका भी इस्तेमाल पानी को बंद और चालू करने के लिए किया जाता है। मेन लाइन में लगा देंगे तो पानी को भी अगर कुछ मेंटेनेंस है तो उसके लिए बंद कर सकते हैं, फिर वापस ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड देखिए, बाल बाल है, ये भी है, लेकिन इसमें पीपीआर पाइप ज्वाइंट करने के लिए दिया है और इसमें यह यूनियन टाइप का बाल बाल है। इसमें देखिए थ्रेड भी दिया हुआ है, इसको इससे अलग भी कर सकते हैं इस बाल को। तो नेक्स्ट फ्रेंड देखिए, ये कंसील्ड वाल्व है, पीपीआर कंसील्ड वाल्व है। यह वाल्व के अंदर कंसील्ड किया जाता है और फ्रेंड्स ये चालू बंद करने के लिए केवल उसका वाल्व ही बाहर दिखता है और ये कंसील्ड ही। नेक्स्ट फ्रेंड देखिए, ये पीपीआर पाइप वाल्व क्लैंप है। इसका फ्रेंड्स अगर हम पाइपलाइन ओपन कंडीशन में लेके जा रहे हैं, कंसील्ड नहीं है, ओपन है, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है पाइप को होल्ड करने के लिए। तो फ्रेंड मैं समझता हूँ कि आप लोग वीडियो देख के बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे पीपीआर पाइप और फिटिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.